बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उससे पहले बच्चों, हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं, देखते हैं हमें कितना पता है। तो यहाँ पर बच्चों दो कॉलम बनाए हुए हैं, एक सब्जेक्ट का और एक प्रेडिकेट का। तो हमें सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ मिला करके सेंटेंस क्रिएट करने हैं। जैसे कि द लार्ज रेड सेल बोट सेल्ड अक्रॉस द वे इन वॉटर, हमें इसको सेकेंड वाले से मैच करना है। माई यंगर ब्रदर बेग्ड फॉर ए पपी, तो इसको लास्ट वाले से मैच करना है। ए स्कूल इज ए प्लेस फॉर लर्निंग, द काउ इज द बिगेस्ट एनिमल इन द फार्म। इस तरह से हमें लाइंस ड्रॉ करके इनके बीच में एक सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं। तो बच्चों, अब हम देखते हैं सेंटेंस। हर एक सेंटेंस में दो हिस्से होते हैं, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दो सेंटेंस लिखे हैं, टीचर टॉट इंग्लिश, ईशान लाइक्स मूवीज। तो टीचर और ईशान ये क्या है, काम को करने वाले हैं, डूअर हैं, तो इनको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और दूसरी तरफ टॉट इंग्लिश या लाइक्स मूवी ये क्या है, ये हमें बताया जा रहा है कि ईशान या टीचर वो क्या कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ बता रहे हैं। तो ये दूसरा हिस्सा हो गया, इसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। तो पार्ट का वो सेंटेंस जिसमें डूअर का नाम होता है, काम करने वाले का नाम होता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और सेंटेंस का वो हिस्सा जिसमें क्या काम किया जा रहा है या सब्जेक्ट के बारे में कुछ पता चलता है, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो अब इससे जुड़ी हुई एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों दो कॉलम है, इनको हमें प्रॉपर सब्जेक्ट के साथ प्रेडिकेट को मैच करके सेंटेंस बनाने हैं। जैसे आई लाइक्ड द शो या आई बॉट ए न्यू कार, इस तरह से हम किसी भी सेंटेंस के इसके साथ मैच कर सकते हैं। शी ड्रिंक में शी वेंट टू स्कूल, द कैट सेट ऑन द वॉल, रिया एंड निया परफॉर्म्ड वेल, सीमा केम टू सी मी, द मैजिशियन शोड डिफरेंट ट्रिक्स, ईवा एनकरेज्ड हिम, द एक्टर परफॉर्म्ड वेल, शी ड्रिंक मिल्क, मंकीज सेट ऑन ए वॉल। इस तरह से बच्चों अलग अलग सब्जेक्ट के साथ प्रेडिकेट को मिलाकर हम सेंटेंस बना सकते हैं। अब हमें यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है जिसमें हमें सब्जेक्ट को सर्कल करना है और प्रेडिकेट पार्ट को ब्रैकेट में करना है। जैसे मीना शर्मा वॉज ए प्रिटी यंग वुमेन, बच्चों इस स्टोरी का टाइटल है लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, कि हंसना जो है वो सबसे अच्छी दवाई होती है। हम सबको डेली खूब हंसना चाहिए। तो मीना शर्मा क्या है, ये एक सब्जेक्ट हो गया और बाकी हिस्सा जो है सेंटेंस का वो प्रेडिकेट। इसी तरह से शी हैड ए ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, तो शी सब्जेक्ट और बाकी हिस्सा प्रेडिकेट। शी मेड एवरीवन लाफ, शी सब्जेक्ट और बाकी हिस्सा प्रेडिकेट। वन डे मीना शर्मा डिसाइडेड टू विजिट द किंग्स कोर्ट, तो इसमें वन डे मीना शर्मा तक सब्जेक्ट हो गया और उसके बाद का हिस्सा प्रेडिकेट। व्हेन शी रीच्ड द पैलेस she found many people waiting to meet the king, तो इसमें when she reached the palace, तो when she तक subject है और she फिर से ये subject होगा, बाकी हिस्सा predicate। इसी तरह से बच्चों हर एक sentence का जो हिस्सा काम करने वाला है, जैसे when the king arrived, तो when the king तक ये subject हो गया और बाकी का हिस्सा predicate। इसी तरह से बाकी की story में से आप subject और पहचान predicate को पहचान कर उनको mark करेंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एक्टिविटी में हमें सुटेबल सब्जेक्ट या प्रेडिकेट से फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। जैसे ईशा लव्स स्टडी, शी इज राइटिंग ए लेटर, रोहन इज ए गुड बॉय, द मून शाइन्स एट नाइट, शी इज माई सिस्टर, रीना इज ए गुड गर्ल। कुछ भी हम सेंटेंस में प्रेडिकेट जोड़ करके सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एक्टिविटी में हमें सब्जेक्ट को सर्कल करना है और प्रेडिकेट में अंडरलाइन करना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस हम देखें, द टी फेल ऑन द फ्लोर, तो इसमें द टी जो है वो सब्जेक्ट है और फेल ऑन द फ्लोर ये प्रेडिकेट हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस में द ट्रेन सब्जेक्ट और वॉज लेट बाई 2 आवर्स ये
प्रेडिकेट, मिल्क एंड फ्रूट्स सब्जेक्ट एंड मेक अस स्ट्रॉन्ग ये प्रेडिकेट। आई एम गोइंग टू मॉल टूडे, तो आई इसमें डूअर है, ये सब्जेक्ट हो गया, और एम गोइंग टू मॉल टूडे ये प्रेडिकेट। इसी तरह से शी सब्जेक्ट एंड लव्स हर मदर वेरी मच ये प्रेडिकेट। बाकी के दो तीन सेंटेंस में आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानिए। थैंक यू।